दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में टिकटों को लेकर कांग्रेस की माथा पच्चू जा रही है। तो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो जारी है। मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तो मधुसूदन मिस्त्री है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन। तो कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कमेटी के कई सदस्य मौजूद है और कांग्रेस की माथा पच्ची टिकटों को लेकर अभी भी जारी है। हालांकि कहा जा रहा है कि जल्द ही अपनी लिस्ट को जारी कर सकती है कांग्रेस भी, लेकिन टिकटों को लेकर जो असमंजस की स्थिति है वो बरकरार है। और हमारे ब्यूरो चीफ रमेश कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। रमेश, हरियाणा में टिकटों को लेकर कांग्रेस की जो माथा पच्ची है वो अभी भी जारी है और दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीन कमेटी की जो बैठक है वो जारी है। देखिए, माथा पच्ची इसलिए भी जरूरी है उनके लिए क्योंकि कैप्टन अजय सिंह यादव जो खासकर जो कामकाज देख रहे हैं कांग्रेस का, वो कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नजर नहीं आए, लेकिन उनकी मजबूरी इस बार उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चलना पड़ रहा है, तो वो कुछ अपने नाम देना चाहते हैं। उसके अलावा कुमारी शैलजा के जो सहयोगी है, कुमारी शैलजा अपने नाम देना चाहते हैं और उसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो अपने सहयोगी वो उनके नाम देना चाहते हैं। इससे पहले कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि 17 जो उनके विधायक है उनकी टिकटें नहीं काट रहे हैं वो, तो 17 के अलावा जो बाकी सीटें हैं उनको लेकर के माथापच्ची हो रही है कि किसी का भी नाम रह ना जाए, कोई भीतरघात करने की कोशिश ना करे। कुछ अशोक तंवर ने भी नाम सुझाए हैं कि उनके भी लोगों को लिया जाना चाहिए क्योंकि पिछले 5 साल में वो कह रहे संगठन मजबूत किया, इतना मजबूत किया ये तो देखिए वक्त तय करेगा, लेकिन आज की डेट में कांग्रेस को एकजुटता दिखाने के लिए सभी को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, जगह देनी है, इसीलिए माथापच्ची ज्यादा चल रही है और ये बैठक में इसको फाइनल एक जो है अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है और इसमें जो प्रमुख जो भूमिका है वो मधुसूदन मिस्त्री निभा रहे हैं। चलिए रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।